वेलकम दोस्तों, जैसे कि आज हम देख रहे हैं स्क्रीन पे हाउ टू मेक एक्सटेंशन बोर्ड। ये आज हम जानेंगे एक एक्सटेंशन बोर्ड कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। ये हम एक बोर्ड लिए हैं, उसमें दो स्विच 200 केट फिटिंग कर दिए हैं। देखिए, ये पहले हम दो स्विच का नीचे पॉइंट में शॉर्ट कर लेंगे। पहले इसमें फेज दिया जाएगा, जैसे कि एक चीज़ जलाने के लिए उसमें फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो इसी में हम फेज दे देंगे। और स्विच के ऊपरी हिस्से से जो पॉइंट निकला हुआ है उसी से हम सॉकेट के लिए फेज डालेंगे। तो सॉकेट में लिखा रहता है, उसमें एल लिखा रहता है लाइन के लिए, एन लिखा रहता है न्यूट्रल के लिए। ये देखिए, हम इसका फेज दे दिए। अभी दूसरी सॉकेट का फेज देंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसी जानकारी आप लेते रहिए हमसे। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए ये हम दे दिए। और यहाँ से इस सॉकेट के और शॉर्ट कर लेंगे, दोनों को न्यूट्रल मिल जाएगा एक ही तार से। ये देखिए, बहुत ही आसान है। आप खुद घर में भी बोर्ड स्विच लेके कर सकते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड रेडी हो गया। इसके ऊपर ये दो अर्थिंग है, अर्थिंग से दिया नहीं है, ये वाला फेज है और ये वाला न्यूट्रल है। दो तार निकल गए, अभी बोर्ड से हम निकाल देंगे बाहर और इसी को कहीं पे भी लगा लेंगे जहाँ पे फेज न्यूट्रल होगा, चाहे सॉकेट हो कहीं पे भी हो। इसमें एक टॉप भी लगा देंगे तो अच्छा होगा। ये बोर्ड को हम फिटिंग कर दिए, ये बन के तैयार हो गया हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।